नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो एक ऑटो इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, और ऑटो इंडस्ट्री से जितने सारे फोर व्हीलर्स है, मतलब जितने सारे पैसेंजर व्हीकल्स है, उनमें से इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। तो आपने तो नाम गेस कर ही चुके होंगे, कंपनी का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के ही ऑटो इंडस्ट्रीज की कंपनी है महिंद्रा महिंद्रा। आज इसी के बारे में बात करूंगा क्योंकि कंपनी ने पिछले दिनों में एक बहुत बड़ा न्यूज और बहुत बड़ा अपडेट्स दे चुके हैं। तो इस अपडेट के बेसिस से कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ क्या होगा उसी के ऊपर बात करूंगा, और फ्यूचर में कंपनी क्या सोचकर इस तरीके से डिसीजन लिया वो भी आपको मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट्स इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। और हाँ, मैं आज के दिन एक वीडियो भी बना दिया था आपको, मार्केट क्रैश होगा उस वीडियो ने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, तो आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि आज मार्केट क्रैश होने के पीछे लॉजिक कौन सा था तो वो जरूर देख सकते हैं। प्रीवियस भी इस तरीके से कुछ सिनेरियो आए और तो वहां पे आपको इस तरीके से पहले से ही पता चल जाएगा। तो चलो देख लेते आज के स्टॉक के बारे में। तो मैं एक वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ जिसका नाम है सरोज इंजीनियर्स। तो सरोज इंजीनियर्स एक मतलब देखा जाए तो सरोज इंजीनियर्स एंटरप्राइजेस जो है वो देखा जाए तो एक मशीनरी बनाने वाला कंपनी, मतलब एक इंजिन बनाने वाला कंपनी है। इसका अगर आप डिटेल्स देखेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे देखिए ट्रस्टेड पावरफुल इंजिन, तो मतलब क्या है, कंपनी इंजिन बनाते हैं। तो इस इंजिन बनाने में कंपनी का खासियत है, और इस इंजिन कंपनी बनाते हैं। तो देखिए आज कंपनी इंजिन बना रहा है, तो इसके साथ क्या करने वाला है, इसके साथ टाई अप करने वाला है कौन, आप सभी जानते हैं जिसके बारे में आज बात करूंगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप ने क्या डिसीजन लिया कि वो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है, और करीबन करीबन 17% से भी ज्यादा स्टेक वो खरीदारी करने वाले हैं। तो क्यों इस कंपनी का स्टेक खरीदारी कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा का पूरा डिटेल्स यहाँ पे देखते जाइए। तो कंपनी का नाम फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, कंपनी का नाम है सरोज इंजीनियर्स लिमिटेड। तो सरोज इंजीनियर लिमिटेड एक देखा जाए तो एक इंजिन और इंजिन जो पार्ट्स होते हैं, जो मतलब ऑटो इंसिलरीज होते हैं उसी को बनाते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखना। तो देखिए सरोज इंजीनियरिंग लिमिटेड जो है इसका भी मार्केट में आप शेयर देखने को मिलेगा, पिछले दिन में करीबन करीबन 5% से भी ज्यादा तेजी देखने को मिलेगा। क्यों, देखिए जब कोई छोटा कंपनी, कंपनी कितना छोटा है देखिए, 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, 2000, ओनली 2000 करोड़ का। तो इतनी छोटा कंपनी के ऊपर अगर कोई बड़े कंपनी का हाथ पड़ जाए तो वो कंपनी तो भागेगा ही ना। देखिए रिलायंस बहुत सारे कंपनी के ऊपर जब इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया तब वो कंपनी शायद वो पेनी स्टॉक था, वो धीरे 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 करके किस तरीके से ग्रोथ हुआ। देखिए जब छोटा कंपनी के ऊपर बड़े कंपनी का हमेशा इन्वेस्टमेंट होता है तब बड़ा कंपनी अच्छा खासा तेजी दिखाता है। तो मैं यहाँ पे सरोज इंडस्ट्रीज के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि इस कंपनी का ऊपर इस मतलब इस कंपनी के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको डिटेल्स वीडियो बना के दूंगा। तो यहाँ पे जो मेन मुद्दा है वो चलो देख लेते हैं, कंपनी के कौन सा वेबसाइट के ऊपर आ चुका है न्यूज, बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर। तो बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर ऊपर जाइए और इस न्यूज को जरूर देखिए। आप देख सकते हैं क्या बताया जा रहा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा टू एक्वायर। आप देख सकते हैं सरोज, तो यहाँ पे कंपनी का जो डिसीजन है आप देख सकते हैं 17.41% स्टेक उन्होंने क्या करने वाला है, एक्वायर करने वाला है। देखिए बहुत बड़ा कंपनी के ऊपर फैसला भी होता है जब कोई दूसरे कंपनी के ऊपर निवेश करते हैं। ऑब्वियसली सरोज इंजीनियर्स जो कंपनी है वो अभी फिलहाल के लिए बहुत अच्छा खासा काम कर रहा है, तो कंपनी किस बेसिस से इसके ऊपर निवेश किया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं 17.41% स्टेक फ्रॉम यहाँ पे देखिए किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज, मतलब किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज आप सभी जानते हैं इंजिन बनाते हैं, ट्रैक्टर्स भी हैं और ज्यादा से ज्यादा इसका इंजिन बनाने के काम है। तो सरोज इंजीनियर के हैं जो किर्लोस्कर है उसी के ऊपर कंपनी इन्वेस्ट किया है, तो ऑब्वियसली कुछ सोच समझ के इन्वेस्ट किया है। तो चलो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, आप देख सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड टू यहाँ पे थर्सडे के दिन यहाँ पे सेड इट विल एक्वायर एंड एडिशनल 17.41%, मतलब पहले भी एक्विजिशन था फिर भी एक्वायर किया है, मतलब पहले तो एक्विजिशन था और फिर भी एक्वायर किया है, कितना किया है चलो मैं दिखा देता हूँ। स्टेक सरोज इंजीनियर लिमिटेड फ्रॉम किलोस्कर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ₹296 करोड़। देखिए आप कहेंगे सर छोटा पैसे में ही तो इसको मिल गया, हाँ बिल्कुल, कंपनी 2000 करोड़ का है, 2.2 करोड़ का है, 2.2000 करोड़ का है, तो इतना छोटा कंपनी में तो 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं द एक्विजिशन विल रिजल्ट
इन इंक्रीजिंग द कंपनी स्टेक सरोज इंजीनियरिंग लिमिटेड, यहाँ पे देखिए सेल कर चुके थे पहले कितना 52.13% फ्रॉम 34.71%, मतलब पहले 34.72% पहले से ही महिंद्रा महिंद्रा के पास था, अभी वो कितना बन चुका है 52.13%। इसका मतलब पूरा का पूरा हिस्सेदारी किसके पास आ गया, महिंद्रा महिंद्रा के पास। अभी महिंद्रा महिंद्रा इस कंपनी को पूरा का पूरा हैंडल कर सकते हैं, पूरा का पूरा इसका मतलब पूरा का पूरा कंपनी को चला सकते हैं। तो द कंपनी प्रपोज टू एक्वायर 21,14,349 इक्विटी शेयर, यहाँ पे देखिए कंपनी का 17% जो स्टेक है, इतने शेयर इक्विटी शेयर उसको मिल चुके हैं, मतलब उन्होंने खरीदारी की है 296 करोड़ देके। तो कंपनी ने एक्चुअली बताया है कि कंपनी इस तरीके से डिसीजन क्यों लिया। देखिए कंपनी का कहना है कि कंपनी जो मशीनरी बनाते हैं, मतलब देखिए महिंद्रा महिंद्रा क्या बनाते हैं, ट्रैक्टर्स भी बनाते हैं इसका मतलब महिंद्रा महिंद्रा का बहुत सारे इंजिन्स भी दिखेगा, जैसे आप जैसे वाटर व्हीकल्स भी दिखेगा, साथ ही साथ आप देखेंगे तो इसका गाड़ी का भी बिजनेस है। तो इस तरीके से बिजनेस को बड़ा करने के लिए वो खुद इंजिन नहीं बनाएगा, अभी ये जो किलोस्कर का जो कंपनी है सरोज इंजीनियरिंग इससे बनाएगा, तो इसीलिए इस कंपनी को टोटली खरीदारी कर चुके हैं। तो बहुत बड़ा डिसीजन है। देखिए दो तरीके से आप काम कर सकते हैं, आपका बिजनेस को दो तरीके से बड़ा कर सकते हैं, एक तो आप खुद बिजनेस बनाइए, दूसरा दूसरे के बिजनेस को खरीदारी करिए सस्ते दामों में। तो ये दो पॉइंट्स अलग अलग है, दो पॉइंट्स के ऊपर बिजनेस जो बिजनेस प्रॉपर नहीं करते हैं वो अलग अलग सोचते हैं। तो मेरे हिसाब से एज ए बिजनेस मैन हिसाब से मैं भी जरूर कहूंगा इस तरीके से बिजनेस जो कंपनी ने किया है, इस तरीके से कंपनी जो डील किया है बहुत बढ़िया डील है, मेरे खुद के ओपिनियन से बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए कंपनी को सस्ते दामों में एक अच्छा खासा कंपनी मिल गया, क्योंकि इस कंपनी का जो स्ट्रेंथ है सरोज इंजीनियरिंग लिमिटेड, इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं डिटेल्स वीडियो आपको बना के दूंगा, क्योंकि इस कंपनी का बहुत शानदार ग्रोथ और पोटेंशियल मुझे दिखता है। तो अभी महिंद्रा महिंद्रा के बारे में बात करूं तो सबसे पहले आप इन्वेस्टर देखेंगे तो प्रोमोटर कितना 19% होल्डिंग है महिंद्रा का, यही एक वीक पॉइंट है। कंपनी दूसरे कंपनी को 100% मतलब 50% से भी ज्यादा स्टेक खरीदारी कर रहे हैं, मगर खुद के कंपनी के ऊपर 19% होल्डिंग है। तो क्योंकि देखिए एफएस के पास इसके ऊपर कितना भरोसा है, 34% होल्डिंग था, अभी कितना 37% होल्डिंग उठा के रखा। डीएसके के पास कितना 27% होल्डिंग था, अभी 28% होल्डिंग रखा। गवर्नमेंट के पास भी छोटा मोटा निवेश है, पब्लिक के पास करीबन 9% होल्डिंग है और अदर्स के पास 3.95% का होल्डिंग है। मतलब इस कंपनी के ऊपर हर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट क्यों ना करें, क्योंकि कंपनी का जो ग्रोथ और पोटेंशियल कंपनी जो दिखाया तो बहुत बहुत बढ़िया है। कंपनी जब स्टार्ट हुआ था कंपनी का 180 के लेवल में कंपनी का प्राइस था, उसके बाद कंपनी के ऊपर गिरावट हुआ और कंपनी का प्राइस आ गया था करीबन 64 रुपीज के आसपास। अब देखेंगे उसके बाद सॉरी तो उसके बाद देखिए कंपनी ने किस तरीके से रैली दिखाया 2018 में, यहाँ पे देखिए 2018 था, 2018 में हर कोई ऑटो इंडस्ट्रीज में गिरावट हुआ, यहाँ पे भी गिरावट हुआ था, कंपनी करीबन 970 से गिरकर आ गया था करीबन 230 तक। उसके बाद देखिए कंपनी जिस तरीके से ग्रोथ किया, देखिए हमारा जो टेलीग्राम है जो प्रीमियम टेलीग्राम है वहाँ पे आपको स्विंग ट्रेडिंग का कॉल भी दिया गया था, ये जो लेवल था ये जो लेवल यहाँ पे 3 बार 4 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया सॉरी रेजिस्टेंस लिया, तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ट्रेड दिया गया था। अभी टारगेट जो है अभी टारगेट 1500 के आसपास टारगेट रखा गया है, अभी तक टारगेट नहीं हुआ है। तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे जितने सारे हमारा प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स है उसको मिल रहा है। तो आप इस तरीके से टेक्निकल चार्ट पैटर्न सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए, खुद आप ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं कंपनी के बारे में दो चीज कहूंगा, कंपनी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट रेशियोज भी दे चुके हैं, क्योंकि कंपनी हर साल खुद भी प्रॉफिट कमा रहा है और अच्छा खासा प्रॉफिट को मेंटेन भी कर रहा है। सिर्फ बीच में कोविड के सिचुएशन के टाइम में ही कंपनी का हालत थोड़ा सा खराब हो चुके थे, क्योंकि उस टाइम गाड़ी कम बेचा गया, क्योंकि उस टाइम लोग घर में थे और बाहर नहीं निकल पाए, तो बहुत सारे शोरूम्स भी बंद था, बहुत सारे फैक्ट्रीज भी बंद था, तो इसके कारण ज्यादा से ज्यादातर इस तरीके से सिनेरियो देखने को मिला। तो यहाँ पे देखिए स्टॉक का जो मतलब सीएजीआर का परसेंटेज है 10 साल में 12%, 5 साल में 15%, 3 साल में 30% और 1 साल में तो 75% तक आसपास रिटर्न दे चुके हैं। तो बहुत शानदार कंपनी आपको रिटर्न दिया। हाँ मैं कहूंगा सेल्स ग्रोथ उतना खास नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ भी उतना खास नहीं है, इस बार को देखकर कुछ फायदा नहीं होगा, आपको प्रीवियस देखना होगा। इस साल में बहुत कुछ हुआ है, इस टाइम में ऑटो इंडस्ट्री तो सबसे ज्यादा तेजी से है, ऑटो इंडस्ट्री सबसे ज्यादा ग्रोइंग मूड में है 2020 के हिसाब से मैं बात करूँ, 2022 के हिसाब से बात करूँ। तो अंत में एक ही बात कहूंगा, कंपनी का सारे पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा, कैश फ्लो पहले नेगेटिव था आज तो पॉजिटिव में है,
और यहाँ पे देखिए रिजर्व के बारे में बात करें तो कंपनी का रिजर्व भी बढ़ रहा है, साथ ही साथ कंपनी का कर्जा भी बढ़ रहा है। ये नहीं कि कंपनी के पास कर्जा नहीं है, कंपनी के पास अच्छा खासा कर्जा है, करीबन करीबन 1.65% का कर्जा भी है। तो रिस्की प्लेयर्स इस तरीके से कंपनी के ऊपर मतलब जरूर भरोसा कर सकते हैं, साथ ही साथ आप सेफेस्ट जोन में भी काम करना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी है, 1,60,000 करोड़ से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैप है। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।